तो हम पिछले 3.5 ईयर्स से आई गेस नहीं गए हैं केरल। अभी क्या है ना, यहाँ पे एक चूहा है, छोटा सा बच्चू, एंड वो शायद मर रहा है। मुझे वो देख के और बुरा लग रहा है, भाई वो उसको देख के ना मुझे इतना पेन हो रहा है उसके लिए, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। उसने बहुत तबाही मचाई है, बहुत कुछ काटा पीटा है, तो हमने मेडिसिन डाला था, बट उसको एकदम ऐसे यू नो सामने मरते हुए देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रीतेश आएगा अभी एंड हिल ओके। सो आई हैव दिस कंपैशन बहुत है मेरे अंदर, तो कभी कभी ये एक प्रॉब्लम भी बन जाती है, क्योंकि आई स्टार्ट फीलिंग एवरी थिंग अराउंड मी, एवरी लिटिल प्रॉब्लम बिकम्स माई बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड वो एक प्रॉब्लम अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पीपल हु आर वेरी कंपैशनेट और हु हैज एंजाइटी मे नो दिस, बट एनी वेज अभी मुझे पैकिंग करनी है, घर थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है, क्योंकि ये 10 दिन बंद रहेगा, और ये सारी चीज़ें हैं, प्लान्स का दिखना है, उसे कैसे रखना है। देश में ऐसे बहुत निंजा टेक्निक लगा के डब्बा रखा है, और ये ऐसे अंदर बंद कर लिया है। बहुत तहलका मचाया है चूहे ने, कितने पता नहीं यहाँ, बट बेचारा मर भी नहीं रहा है और जिंदा भी नहीं है। बट ये अच्छा है ना कि एटलीस्ट सामने आके बैठा था, है ना, सोफा गंदा कर दिया है, सामने आया, अच्छा है ना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अंदर कहीं पे मरता तो ठीक है, इसे बाहर डाल दो। इसीलिए चूहे ने अपना घर यहाँ कहीं पे बनाया था, ये पूरा गंदा था, ये सब हटवाया मैंने, आज साफ करवाया है, और यहाँ से वो वहाँ भग गया, ये क्लीन हो गया था। हम लोग क्या डालते हैं चूहे के लिए, वो मैं बताती हूँ। सो दिस इज़ वॉट वी यूज, टाइगर रैट किलर केक, एंड ये पूरा पैकेट आता है 300 रुपीज़ का, ये अमेजोन से ख़रीदा था, अच्छा नहीं लगता मारना, बट क्या करें, तो लिखा है इसमें रैट्स मोस्टली डाई आउटडोर, और ये क्या निंजा टेक्निक है पता नहीं, बट काम तो किया हमारे लिए। दिस इज हाउ इट लुक्स, ये क्या था चूहा, तो यहाँ डाला है और यहाँ डब्बों के पीछे भी डाला है, तो वो खाता है और मर जाता है। ऑल्सो अभी मैं नैप्थेलिन बॉल्स भी डाला है पीछे थोड़ा बहुत, उनको रिपेल करने के लिए, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो प्रीतेश स्कूटी में उसको लेके गया है बहुत दूर फेंकने के लिए, जैसे आसपास फेंकने में तो वापस आ जाएगा ऐसा लगा, तो स्कूटी में गया है उसको लेके बहुत दूर। बाय चूहा। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो कितनी टेंशन होती है, कितनी सारी पैकिंग करनी होती है, घर छोड़ने का टेंशन होता है, और फिर इतने सारे कपड़े फोल्ड करो, बट फाइनली जब जर्नी चालू होती है तो शांति से बैठ के अपने जर्नी को एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाकी पैकिंग तो लास्ट मोमेंट तक चलती रहती है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और प्रीतेश की हेल्प से मैंने सारा कुछ रख दिया, और अब प्रीतेश अपनी पैकिंग कर रहा है और मैं और रोवर आराम कर रहे हैं। रोवर को मैं बहुत मिस करूंगी, तो मैं उसे थोड़ा पैम्पर कर रही थी। रिसेंटली दिल्ली में वापस एक ऐसा केस हुआ जहाँ पे एक पेट को एक आदमी ने रॉड से मार दिया, और उस पेट के ओनर को, तीन तीन ओनर्स को भी बहुत ज़्यादा घायल कर दिया। ये न्यूज़ देख के तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, पता नहीं लोगों को हो क्या गया है, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ठोक देना चाहिए पकड़ के, बिल्कुल सेंसलेस और हार्टलेस हो चुके हैं सब। मुझे रोवर पे इतना प्यार आ रहा था ये सब सोच के। पीपल आर सो क्रूअल, ऐसे लोगों को बहुत मारना चाहिए डंडे से पकड़ पकड़ के, ऐसे मारा ना बचो। क्विक अपडेट, मैंने थोड़ी दवाई चेंज की है रोवर के इन्फेक्शन के लिए, ये वोकाजनॉल है, ये हम पहले लगाते थे, तो इसमें ये जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत हेल्प करता है। दिस इज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी लोशन है ये लोशन, तो मैंने अप्लाई कर दिया है, काफ़ी बेटर हो गया था उससे, लेकिन ये थोड़ा क्या है स्पीड बढ़ा देता है हीलिंग का, तो यस चलो डन। रोवर इज लाइक बाप रे बच गया मैं, क्या है ये, क्या है, क्या है रोमिनो, कम हियर, कम हियर, कम हियर। तो हमारी पैकिंग सब हो चुकी है एंड वी आर रेडी टू लीव, कम हियर। ये क्या है नया सा, ओह माय गॉड, स्केरी है क्या, स्केरी है क्या, अच्छा 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 अच्छा। रोवर कब से देख रहा है हमें कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मौसम बहुत ऐसा मस्त हो गया था, तो और भूख भी लग रही थी, तो हम सोचे निकलने से पहले थोड़ी मैगी खा ली या जाए, तो मैं अपनी मैगी में हमेशा थोड़ा सा नमक,
थोड़ा सा लेमन और थोड़ी काली मिर्च डालती हूँ, बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है टेस्ट। जिसमें नमक तो एक्स्ट्रा इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ी सूखी है मैगी, नहीं तो नमक आप स्किप कर सकते हो। बट नींबू और काली मिर्च हुआ यमी लगता है बहुत, ट्राई करके देखना। ठीक रेडी है और अभी हम ये जल्दी दिखाएंगे, हम जल्दी जल्दी निकलेंगे, बहुत देर से निकल रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। हाय प्लांट्स, टेक केयर। मेरे सारे प्लांट्स को मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है, बेताबी से उसको इंतजार था, वो होने वाला है। गो गो, मैं परमिशन का वेट कर रहा है। इतना तो बात तू बरोड़ा जाके नहीं मानता, आगे नहीं मिस्टर, पीछे पीछे, इधर इधर। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, सबसे ज्यादा मजा तो रोवर को आ रहा है। रोवर, वेयर आर वी गोइंग? एकदम खुश, एकदम प्यारा, एकदम हैप्पी। तो मेरी ट्रेन एक्चुअली रात को है 1:30 बजे। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, बाय बाय। इसके लिए विंडो खोल दो, मुझे रोवर को छोड़ के जाना पड़ेगा 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए। माय गॉड, आई विल मिस हिम सो सो मच। इसके बगैर तो मतलब ही इज लाइक अवर स्ट्रेस बस्टर। ये बचू रोवर हमको ज्यादा मिस नहीं करता है, वो किसी के साथ भी रह लेता है, वेल ट्रेन है और उसे बहुत मजा आता है घूमने में, सबके साथ मिलने में, तो वो किसी के साथ भी रह लेता है। उसे तो उसका वेकेशन होता है 10-11 दिन का हमेशा, हम कहीं भी जाते हैं तो ही इज लाइक वाओ, मुझे घर से बाहर जाने को मिल रहा है। जैसे हमें होती थी ना बचपन में, हम समर वेकेशन में हमको लगता था कि फाइनली पापा मम्मी से छुटकारा, लोगों से मिलने को मिलेगा और मजा आएगा, बिल्कुल ये उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। बाकी हमको बहुत याद आती है इसकी, एंजॉय सी, ये तो क्या डाक सकता तो है। तो अभी थोड़ा 5 मिनट का ही और रास्ता है हाईवे का, तो तब तक खिड़की खुली रहेगी, फिर रोवर का रोना शुरू होगा क्योंकि खिड़की बंद हो जाती है हाईवे में, हम लोग नहीं खोलना रख सकते खिड़की, फिर वो रोता रहेगा जब तक हम बरोड़ा पहुंचेंगे तब तक। बीच में एक बार उसको रोककर हम लोग घुमाते हैं थोड़ा और थोड़ा वॉक कराते हैं, फिर अच्छा सा एकदम सूदिंग कोई गाना लगा दो ना, तो देन ही स्लीप्स, चुपचाप सो जाता है ना। पर आज के ना जिसको खाना देके नहीं निकले, बरोड़ा जाके ही खाएगा, तो मुझे लगता है खाली पेट है ना तो वो रोने वाला है पक्का। यूजुअली कभी हम इसे थोड़ा मतलब खिला के निकलते, कुछ आज इतनी हड़बड़ी में निकले ना कुछ खिला नहीं पाए, तो वडोदरा जाके ही खाना खाएगा। मेरे चैनल में आई थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू द फीडबैक्स। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए या किस टॉपिक्स के बारे में बात करनी चाहिए। दैट्स इट, टेक केयर, एंजॉय, टाटा।